वीर जवानों को, भारत की सेना को, देश के हर नागरिक को, देश के बच्चे बच्चे को भीम सेना की तरफ से, नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। हम सबको फक्र है आज अपने ऊपर कि हम इस देश के निवासी हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि हमारी सेना के 40 जवानों को, सीआरपीएफ जवानों को घात लगा करके जो हमला किया उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। न जाने कितनी ही महिलाएं विधवा हो गई, कितनी मां के, कितने पिता के लाल चले गए, कितनों के बच्चों से उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। आप देख रहे हैं कि आज पूरा देश गमगीन है, आज पूरा देश रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर, उस कायर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान पर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। हम नहीं कहेंगे देश के वीर जवानों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम सीना ठोक करके कहते हैं कि हमारी सेना इतना मजबूत है कि उनसे लोहा लेना जानती है। लेकिन सरकार को इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। भारत की सरकार के साथ आज पूरा देश खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके देश का हर नागरिक जाति धर्म सब कुछ भूल करके, और तमाम विपक्षी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपने आप से राजनीतिक दुश्मनी या कुछ भी कहे उसको भूल करके आज सरकार के साथ में विपक्ष भी खड़ा है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि भीम सेना की टीम इस गमगीन मुद्दे पर, इस देश हित के मुद्दे पर भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ में भीम सेना पूरी तैयार खड़ी है, पूरा बहुजन समाज तैयार खड़ा है। अगर सरकार इजाजत दे तो भीम सेना बॉर्डर पर जाने को भी तैयार है, भीम सेना दो दो हाथ करने को तैयार है, भीम सेना लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैंने भीम सेना की तरफ से इस बारे में भारत सरकार को पत्र लिखा है, मैंने इजाजत मांगी है कि भारत सरकार हमें परमिशन दे, हमें देश सेवा करने का एक मौका दे, आतंकवादियों को देश की सेना के साथ में मिलकर के भीम सेना चुन चुन के मारेगी। उन्होंने हमारे 40 जवानों की हत्या की है, हम 4000 पाकिस्तानियों के सिर भारत ला सकते हैं, इतना दम हम भारतीयों में है। अगर सरकार परमिशन दे तो 4000 पाकिस्तानी आतंकवादियों के, पाकिस्तानी सैनिकों के हम सिर काट करके, उनके सिर कलम करके हम भारत देश में शान से ला सकते हैं। लेकिन जो ये हमला हुआ है, कायराना हमला है, ये हमें कदापि बर्दाश्त नहीं है। देश ऐसी तस्वीर को अब दोबारा नहीं देख सकता, हमें खून का बदला खून चाहिए है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी है, सरकार के साथ खड़े हैं, मिटा दो पाकिस्तान को, नेस्ता नाबूद कर दो पाकिस्तान को, एक ही बार में कलेश कट जाएगा, बार बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार उनको नेस्ता नाबूद कर दो, उनको मार दो। पाकिस्तान हमारा हिस्सा था राजनीतिक षड्यंत्र से, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के दो टुकड़े कर दिए, वापस मिला लीजिए पाकिस्तान को भारत में, वो हमारा हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे कि आवाम की क्या गलती है, आवाम को कोई नहीं मारेगा,
नुकसान होगा, दोनों तरफ से होगा, एक बार होके रह जाएगा, लेकिन बार बार जो हमारी छाती पर जो छुरिया पाकिस्तान की तरफ से घोपी जाती है उसका बदला हम एक बार ले लेंगे। नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, हमें सीधा हमला चाहिए। दिखा दो एक बार, होने दो युद्ध, हमें दुनिया से कोई प्रवाह नहीं है। जब यूएनओ ने भी बोल दिया है कि भारत को अपनी सेफ्टी करने का, अपनी सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट है, जब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान की नाक के नीचे उस कायर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान के घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकता है ना, तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? मैं मोदी सरकार का इस देश में अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो भीमसेना और नवाब सतपाल तंवर मोदी सरकार के सबसे बड़े विरोधी है। आज वही नवाब सतपाल तंवर कहता है मोदी जी करिए पाकिस्तान पर हमला, भीमसेना आपके साथ खड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है, करिए हमला, मिटा दीजिए, नक्शे से मिटा दीजिए कोई पाकिस्तान था, यह भारत है, याद रहेगा। लेकिन हम अपने अपने जवानों को हमेशा यू अपने कंधों पर कैसे उठाते रहेंगे? उठाने का मजा तब आता है जब जीत होती है, जीत की खुशी मिलती है, जीत की खुशी मिलती है जब कंधों पे हम अपने अपने कंधों में खुशी से अपने सैनिकों को उठाते हैं कि भाई जीत के आए हमारे सैनिक। और फिर ऐसी कंडीशन में जहां पर शहीद हो जाए फिर वो ताबूतों में तिरंगे में लिपटे हुए उनके शरीर, पार्थिव शरीर, वो कंधे वहां जब कांपते हैं, रोम रोम सियर उठता है। भारत एक मजबूत देश है, सर्वधर्म का देश है, सर्व जाति का देश है। आज देश एकता के सूत्र में पूरी तरीके से कहता है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दीजिए। और मैं पूरे देश में भीमसेना से यह अपील करना चाहूंगा कि भीमसेना के हमारे सभी भीम सैनिक किसी भी जिले में है, किसी भी राज्य में है, और हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, किसी भी जिले में है, किसी भी राज्य में है, जो आपके जिले में, आपके गांव में, आपके राज्य में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर जाइए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उनके परिवार का हौसला बढ़ाइए। और जितनी ज्यादा हो सके, सरकार तो आर्थिक मदद कर ही रही है, लेकिन अपना भी फर्ज अदा कीजिए कि भीमसेना के लोग, संपूर्ण भीमसेना, समस्त देश से मैं आह्वान करता हूं कि शहीदों के घर जरूर जाएं। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी राज्यों के, उन पदाधिकारियों को इस लाइव के माध्यम से बाकायदा बताया जाता है कि स्पेशली वे भी उन शहीदों के घर पर जाएं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें। उन शहीद परिवारों के साथ में हमें कंधा मिला करके खड़े हैं, पूरा देश उन शहीद परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। सरकार से अपील करते हैं कि उन शहीद परिवारों को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, सरकारी नौकरियां दें, ताकि जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अपनी जान न्योछावर कर दी है, उनके बच्चों को भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ये हम सरकार से अपील करते हैं। साथ ही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि गुलाम कश्मीर, जिसको हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने आजादी के बाद से और जो एक दो विभाजन हुए उसके बाद से जो टुकड़े किए गए, उसके बाद से जो कश्मीर पर उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया, जिसको हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं और पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस कश्मीर को भी अभी हाल फिलहाल में ही दोबारा से वापस ले लिया जाए। वहीं पर ही चल रहे हैं आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप, वहीं पर ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक से ना कोई बेनिफिट हुआ,
कोई फायदा नहीं हुआ, हमें अपने जवान यूं ही गंवाने पड़ रहे हैं। आप उस गुलाम कश्मीर को आजाद कश्मीर बनाइए, हमला कीजिए आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दीजिए, और जो ये मसूद अजहर टेररिस्ट, हाफिज सईद टेररिस्ट, जो पाकिस्तान कुत्तों की तरह है, उनको पाल रहा है, उनको उठा के लाइए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के घर में घुस करके इन दोनों आतंकवादियों को उठा करके भारत लाइए। वहां ये नहीं है कि लादेन की तरह, जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा था, ऐसे वहां हमला कर दिया, मार दिया, वो तो हमें पाकिस्तान को वापस लेना है, लेकिन इन दोनों आतंकवादियों को और जो बाकी हिटलिस्टेड आतंकवादी है उनको भारत लाइए। ये नहीं है कि केस चलेगा, ये नहीं है कि फांसी की सजा मुकर्रर होगी, फिर कभी माफी की याचिका जाएगी, कभी किसी की जाएगी, कभी किसी की जाएगी, ये नहीं। सरेआम इंडिया गेट पर इनको चुन चुन के मारना चाहिए, सरेआम पाकिस्तान से ला उठा करके उनको, और इंडिया गेट पर, लाल किले पर शहीद परिवारों के हाथों से ही गोलियां मरवाओ उनको, चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटकाओ उनको, दौड़ा दौड़ा करके मारो उनको, उनके किए की सजा उनको मिलेगी। उन्होंने ऐसे आतंकवादी पूरी दुनिया में जो आतंक, जो मानवता के दुश्मन, जो इन्होंने आतंक जो फैलाया हुआ है, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। अरे बनिए, भारत की सरकार से कह रहा हूं, अरे बनिए, अमेरिका से भी मजबूत बनिए। अमेरिका उठाता है किसी पर भी हमला कर देता है उठा करके, क्या हम में वो ताकत नहीं है, क्या हम में वो पावर नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना मजबूत तरीके से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी, अपनी सेल्फ डिफेंस से भी, जो हमारे राइट्स है एक दुनिया की तरह से, जो यूएनओ के हमारे राइट्स है, जो 60 देशों के हमारे राइट्स है, बुलाइए सबकी मीटिंग, डिसाइड कीजिए पाकिस्तान को खत्म करना है, जो साथ देगा तो ठीक, ना देगा तो ठीक, हम मानते हैं पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत के सामने चूहा है पाकिस्तान, भारत के सामने चूहा है, मसल के रख दो उसको बिल्कुल ऐसे, उसके परमाणु हथियारों पर भी हमें ही कब्जा करना होगा, हमें दिलेरी दिखानी होगी, कब तक मरते रहेंगे हमारे सैनिक, अब दिखाने का वक्त है, करना होगा हमें। साथ में साथियों, जितने भी हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उन सभी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आप सभी से विदा चाहें, उससे पहले 2 मिनट का मौन उन शहीदों के सम्मान में इस लाइव के माध्यम से भी मैं रख रहा हूं। कृपया करके जितने भी साथी हैं, कमेंट्स बंद करके आप जहां भी हैं खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखें। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।